काफी कमेंट आ रहे थे कि लवली इनू कॉइन का प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को रीजन बताने वाला हूं आखिर क्यों इसका प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। बिटकॉइन भी डाउन जाकर थोड़ा थोड़ा रिकवर होना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो लवली इनू कॉइन है आप देख सकते हो ये डाउन ट्रेंड पर यहां पर नजर आ रहा है आप लोगों को, और लास्ट 7 डेज के अंदर 43% कॉइन डाउन जा चुका है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है लवली इनू कॉइन की, और मैं इस वीडियो के अंदर आपको रीजन बताऊंगा आखिर क्यों ये इतना ज्यादा डाउन जा रहा है और क्या आप लोगों को इस कॉइन को अभी होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सो सबसे पहले देखिए अभी हम जो इसका प्राइस देख सकते हैं वो चल रहा है 0.4x01363। अब जो लास्ट 24 आवर्स के अंदर इसका प्राइस गया है वो 12% यहाँ पर डाउन चला गया है। अगर बिटकॉइन की बात करें तो 34 लाख पर पहुँच चुका है, वापस से रिकवर कर रहा है बिटकॉइन धीरे धीरे, सभी कॉइन धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। बट वैसे मार्केट अभी क्रैश पर है, तो अभी लवली इनू कॉइन को भी हम नहीं कह सकते कि ये आखिर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अभी आप लोगों को यहाँ पर एक बाइंग की भी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको बाय कर सकते हो। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ वाई इस क्यों ये डाउन जा रहा है। तो सबसे पहले आप हम आते हैं इनके देखिए ट्विटर अकाउंट पर। अब हम आ चुके हैं यहाँ पर लवली इनू कॉइन के ट्विटर अकाउंट पर। तो यहाँ पर आप देखो इनके 80,000 यहाँ पर फॉलोवर्स होने वाले हैं, लेकिन जो यहाँ पर जो सबसे बड़ी मिस्टेक लवली इनू कॉइन कर रहा है वो कर रहा है कि यहाँ पर कोई भी ये अपडेट नहीं डाल रहा है ट्विटर पर, जिसकी वजह से इसका प्राइस दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। क्योंकि जो वेल्स होते हैं वो धीरे धीरे यहाँ से अपना पैसा निकाल रहे हैं, और जो रिटेलर्स है जो अभी छोटे इन्वेस्टर्स हैं हम जैसे आप जैसे, वो भी यहाँ पर पैसा डाल के रखे हैं। तो मैं ये भी बताऊँगा क्या आप लोगों को भी निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए। अब देखो यहाँ पर कोई भी इन्होंने अपडेट नहीं डाली है। इसके अलावा अगर हम जाएँ यहाँ पर इनके टेलीग्राम के चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर भी ये कोई अपडेट नहीं डाल रहे हैं। यहाँ पर 53,000-54,000 फॉलोवर होने वाले हैं, हाइडेस्ट डाल रहे हैं, डॉक्टर स्कल डाल रहे हैं, लेकिन लवली इनू कॉइन के रिलेटेड ये कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। तो आखिर इसी की वजह से इनका प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, बिकॉज कोई भी चीज़ एक्टिव ना रहे तो वहाँ पर उसमें से लोगों को शक होने लगता है, इसलिए वो डाउन जा रहा है। अब यहाँ पर जो मेरी ऑडियंस है उन्होंने सभी वो पैसा लगा के रखा है जो वो लूज़ करने के लिए बिकॉज रेडी है। हमने भी वो ऐसा ही पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखा है जो हम लूज़ भी कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने अगर यहाँ पर पैसा डाल के रखे तो आप पैनिक में सेल ना करो, या पैसा या तो बिल्कुल डाउन चला जाए या फिर नो प्रॉब्लम आप लोग यहाँ पर अभी 2021 के एंड तक का वेट करो, जो होगा देखी जाएगी, बाकी आप लोग प्रॉफिट में इंशाल्लाह आ जाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इतनी ही अपडेट थी आप लोगों के लिए और आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्यों आखिर ये डाउन जा रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।